क्योंकि इस कौम में इतना ज़्यादा भ्रम है, इतना ज़्यादा गफलत है। वो भी हमें भी तब पता चला जब हम गांव-गांव में घूमे। हम 50 से 60 गांव में घूम चुके हैं अभी तक, और हिंदुस्तान के हर कोने में जहाँ अहीर है वहाँ जा चुके हैं। तो इस बिरादरी में क्योंकि कुछ हमने सीखा तजर्बे से, तो सबसे बड़ा है चीज़ भ्रम बहुत है। जैसा मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे से ज़्यादा तजुर्बा है, लेकिन एक ये भी भ्रम में थे, बोले कुमाऊँ हारी से, हरी कुमाऊँ ना ऐसे भयम काट के, उसकी सच्चाई में बताता हूँ। ये बहुत गलत प्रचार किया जा रहा है। फिर रेजिमेंट के मुद्दे के साथ में हम और भी मुद्दे भी है, क्योंकि कौन को एक एक मुद्दा नहीं हो सकता, उसको जगाने के लिए आपस में जुड़े हैं। जैसे एक तो बोलते हैं हम खाप बनाने के लिए, कल ही हमने इस अहिरवाल की पहली खाप खड़ा करने के लिए कोसली में कई गांव की सभा करी थी, और वहाँ एक ड्राफ्टिंग कमेटी बना के आए हैं कर्नल सोहनलाल जी सुरेली के, वो उसके हेड हैं, और 29 अक्टूबर को वहाँ पे हम पहली खाप खड़ी करेंगे। उसकी वजह यह है कि भाई 2-3 गोते बड़ी मजबूत है, जमीन की नफरी ज़्यादा है, तो इसलिए अप्रियर थोड़ा, तो हो सकता है जब उनकी खड़ी हो जाए तो दूसरे हिम्मत कर बैठेंगे। तो अब ज़्यादा ना खींचते हो, जो मैं मुख्य मुद्दा है उसके ऊपर आपको बताता हूँ। एक तो है कौम को अहीर रेजिमेंट क्यों चाहिए। पहला तो ये बहन कि हीरा की कुमाऊँ रेजिमेंट से गलत थी। दूसरा बहन ये कि भाई काबिलियत के ऊपर फौज में भर्ती की जाती है, ये सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ा छल। इस गांव का मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। इस गांव का कोई भी आदमी, चाहे वो कितना बड़ा दारा सिंह हो, PBG के अंदर भर्ती नहीं हो सकती। अभी 4 सितंबर को PBG के लिए भर्ती के, मतलब प्रेजिडेंट बॉडी गार्ड का आपने देखा होगा, 26 जनवरी 15 अगस्त को भाला लिए हुए आदमी घोड़े पर बैठे रहते ना, तो वो फौज की आर्मड का एक हिस्सा है। लेकिन इस गांव का कोई बालक भर्ती नहीं, क्योंकि आप पहले ही कदम पे डिस्क्वालीफाई हो गए हो। कैसे? क्योंकि भाई आप राव साहब ने क्रिकेट से पैदा, ये गुनाह हो गया। अगर अहिरी के पेट से पैदा न होते, राजपुताने के पेट से पैदा होते, जाटने के या सिखने के, तो आप उस लाइन में भर्ती की लाइन में खड़े हो सकते। आप पहले स्टेप पे बाहर क्यों हो गए? क्योंकि आपकी कौम पहला कराई के लिए, क्योंकि PBC के अंदर सिर्फ 3 जातियां भर्ती की जाती है, जाट, सिख, राजपूत। चौथी कोई उसमें काबिलियत, पहली काबिलियत। फिर इसका एक दूसरा उदाहरण दे देता हूँ। राजपूताना फौज के नियमों के मुताबिक इस क्षेत्र में कौन से क्षेत्र का आदमी भर्ती किया जा सकता है? जो राजस्थान से है, जो हरियाणा से है, जो दिल्ली से है, जो मध्य प्रदेश से है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है, जो गुजरात के सौराष्ट्र का बासिंदा है, यहाँ का ही बच्चा राजपूताना राइफल्स में भर्ती किया जा सकता है। मतलब वो काबिल है, उसकी लाइन में लगता है, लेकिन अभी एक पेच पेच ये है कि करीब 40% कोटा जाटों का है उसमें, 40% कोटा राजपूतों का है, बाकी 20% में बंगाली हैं, जाट हैं, सॉरी अहीर हैं, गुज्जर हैं, मुसलमान हैं, ब्राह्मण हैं, मीणे हैं, कायम खानी मुसलमान हैं, उन सबको डाल रखा है। और आपको ताजुब होगा, इस राजपूताना राइफल्स की नफरी करीब 25 से 30 हज़ार सैनिकों की है, उसमें मात्र 120 लोगों की हिस्सेदारी है उनके पास में। एक कंपनी है 6th बटालियन राजपूताना राइफल्स के अधीन, जबकि जितना भी मैंने तो क्षेत्र जिसका मापदंड बताया है उसमें सबसे ज्यादा नफरी हमारी कौम की है। तो ये जो नेता और बुद्धिजीवी और कुछ हमारी जो एक्स सर्विसमैन आए, वो उनको एक भ्रम में रहे, वो अज्ञानता की वजह से, कि फौज में सब कुछ ठीक है, फौज में भर्ती कानून कायदे से होती है, फौज में भर्ती काबिलियत के हिसाब से। अब आपका बच्चा भर्ती होने के लिए जाता है दादरी, वो 2 दिन बाद घर वापस आ जाए, घर का उन्हें गाड़ी दे जाए, पूछता तू कहीं जो कोई खोलना, हमारी साथी को मुँह दगा हो तू भर्ती ना उसका, तू बच्चे की गलती नहीं है, बच्चा काबिलियत रखता, हमारा बच्चा हमारा मेहनती है। लेकिन दिक्कत दूसरी जगह है, जब पीछे से जब कोटा आएगा कि भाई इस भर्ती में 10 पाटलगण है, 10 जाटलण है, 2 रायलण है, तो बच्चे की ताबीज खींच जाएगी। बताओ, ए आपका बच्चा 200 में से
150 नंबर लाता है, भर्ती नहीं हो पाता। राजपूत का बच्चा है 200 में से 80 नंबर लाता है, भर्ती हो जाता है। क्यों? उसका कोटा है। अब जो इसका जो मोटी मोटे शब्दों में चीज बताता हूं, आप आरक्षण की जो भी चाहोगे, आपके जो भी नेता होते हैं वो आरक्षण की बात करता है, हीरो के झुंझुना समा देता है कि बोले ये ओबीसी को आरक्षण, लेकिन असली आरक्षण की कभी बात नहीं करता। क्या है ओबीसी का आरक्षण? 4000 के करीब जातियों के एक समूह को दिया गया, एक पर्टिकुलर कास्ट को दिया गया। मैं आज ओबीसी कोटा में मान लो नौकरी लग जाता, कल मरूंगा या रिटायर होऊंगा तो मेरी एक जगह खाली होगी, तो मेरी जगह एक ओबीसी कैंडिडेट को भर्ती किया जाएगा। लेकिन क्या गारंटी है इसके बीच को भर्ती किया जाएगा? अब ओबीसी में तो जाट भी से, गुर्जर भी से, लोहार भी से, सुनार भी से, खाती भी से, कोई भर्ती हो जाएगा। लेकिन फौज में ऐसा नहीं है। जाट बटालियन से 10 जाट रिटायर्ड हुए या शहीद हुए, उनकी जगह खाली हुई, तो वहां जाट का बच्चा ही भर्ती होगा। तो कैसा आरक्षण हुआ? दाबदाल आई वार्ड, जाट के बदले जाट, राजपूत के बदले राजपूत, सिख के बदले सिख।